शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि जो यूएस सोयाबीन की जो पैराई है उसमें गिरावट आई है और सोया ऑयल वहाँ पर जो पहले अच्छा खासा प्रोडक्शन बताया जा रहा था अभी भी ठीक ही है, लेकिन पैराई में थोड़ी गिरावट आई है। और हम देख रहे हैं शिकागो एक्सचेंज में भी सोयाबीन में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इसका असर भारतीय बाजारों पर कितना देखने को मिल सकता है और क्या अब यहाँ से भारतीय सोयाबीन की कीमतों में भी अभी और तेजी आ सकती है क्या? देखिए, थोड़ा बहुत सुधार जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आयातित तेल के मुकाबले देशी तेल सस्ते होने की वजह से मांग बढ़ने के कारण भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा उठाव जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल हम देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सूरजमुखी के तेल की जो आवक है वो काफी घटी है और उस तेल की अभी सप्लाई जो है वो फिलहाल अर्जेंटीना से होती हुई दिखाई गई है और अर्जेंटीना में सूरजमुखी तेल का दाम जो है वो बढ़ा है और वो $2300 के पार चल चुका है। तो कहीं ना कहीं भी जो प्राइजेज है वो एक सपोर्ट लेते हुए आगे चलकर दिखाई दे सकते हैं। नो डाउट अभी पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है सरसों तेल की कीमतों में भी दबाव आया है, सोयाबीन में भी दबाव आया है और खल भी सस्ती हुई है। पिछले 3-4 दिनों में हम देख रहे हैं कि सभी एक्सचेंजेस के ऊपर, शिकागो के ऊपर भी बाजारों के अंदर ये गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट छुटमुट हो सकती है और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि बाजार तेजी में बने रह सकते हैं। जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।